वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। और आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक हाइट ग्रो स्केल। हाइट ग्रो स्केल से क्या मतलब है विद एक्चुअल रेशियो। ना हाइट ग्रो स्केल तो हम बना सकते हैं, बट एक्चुअल रेशियो से बनाना एक चैलेंजिंग है। तो वो कैसे बनाते हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि हम किस तरीके के हाइट ग्रो स्केल की बात कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा जो पीडियाट्रिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बच्चों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी हाइट मेजरमेंट करने के लिए इस तरीके के बैनर होते हैं। अब बट हम चाहते हैं तो इसको हम डायरेक्टली इसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो ये एक्चुअल रेशो से नहीं होते। एक्चुअल रेशो से मतलब है कि जितना हमारा एक स्केल होता है, जितना हमारा फुटा होता है, उतना बड़ा ये इमेज होना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे की हाइट बिल्कुल परफेक्टली मेजरमेंट हो, उसके लिए हमें ये मैनुअल बनाना पड़ेगा। और फ्रेंड जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, अब देखिए इसमें जो यूनिट्स है वो 60, 70, 80 इस तरीके से लिखे, तो इसमें हम कन्फ्यूजन है हाइट को मेजरमेंट करने में, और ये आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कुछ कम समय में, और जो आपके हमेशा काम आएगा। तो देखते हैं वो कैसे बनता है। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए मैंने इसमें लिख दिया कि हमें कितना बड़ा बनाना है। हमें बनाना है 5 फिट का, यानी कि जो बच्चे की जो हाइट होती है वो मैक्सिमम 5 फिट होती है, मतलब 5 फुट की होगी, ठीक है। तो हमें बनाना है 5 फिट का, और इंचेस जो हम बनाएंगे वो 1 फिट में क्या होता है 12 इंचेस होते हैं, तो इसका मतलब 12 × 5 यानी कि 12 × 5 60 इंचेस बनेंगे। और हम हाफ इंचेस बनाना है तो 120 सेंटीमीटर और मिलीमीटर हाइट में नापे नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत छोटी यूनिट होती है। तो इसको हम सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, आपके यूनिट कोई भी सिलेक्ट हो, पिक्सल पॉइंट्स कुछ भी सीएम, आपको सबसे पहले करना है इसे फिट में, ठीक है। मैं इसे फिट कर लेता हूँ, और फिट में करने के बाद मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए ये 5 फिट। इस पे मैं ऐसे 5 फिट का तो मैं बनाऊंगा ही, तो मैं थोड़ा सा 1 फिट में कुछ डिज़ाइन वगैरह रखेंगे, तो हम 6 फिट का इसको बनाते हैं। चौड़ाई इसके रख लेते हैं 2 फिट और हाइट इसके रखते हैं 6 फिट। बना हमें 5 फिट करना है, 5 फिट का बनाना है हमें, बट हम क्या करेंगे इसको हम टेक्स्ट उधर रख लेते हैं, उसका जो पीछे का जो कैनवास है, कैनवास को भी हम 10 × 10 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब आपके लिए इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये जो ले लिया है वो कितना, अब आप देख सकते हैं 5 × 6 फुट का है, बट मुझे बनाना कितने का है 5 फिट का। अब उस स्पीडली हम समझते हैं, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक लाइन लेता हूँ, और मैं इसमें आइडेंटिफिकेशन तो लाइन से ही होगा, तो मैं करीब ये पॉइंट है, मैं mm में मैं 5 mm की मोटी हाइट ले लेता हूँ। तो F12 करेंगे, पॉइंट को करेंगे mm, और ओके, ठीक है। मैंने इतनी मोटी जो है वो बैनर में दिखे, ताकि जो लाइन है वो दिखे। सबसे पहले हम बनाते हैं फिट की लाइन। तो फिट मैंने आपको बताया था यहाँ में कितनी लाइन बनेंगी फिट में, 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, और शिफ्ट पेज से इसको सिलेक्ट करेंगे, बी दबाएंगे, यानी कि बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको साइड से ले लेते हैं। अब मेन जो खेल है वो स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे हम, कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा किसी पर, मतलब कुछ भी जो टूल है वो सिलेक्ट नहीं होगा, इस पर ब्लैंक क्लिक कर देंगे। यहाँ सबसे पहले आप जो देख रहे हैं वो नज, यही काम की चीज़ है नज, कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी होगा आपका ऐसा। तो आपको यहाँ क्या करना है, सिंपली यहाँ 1 क्लिक करना है, यानी कि 1 फिट, और ये एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में आपको वाई एक्सिस को कर देना है 0, ठीक है। अब क्या होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, तो क्या होगा, जो ऑटोमेटिकली 1 फिट पर जाके जंप करेगा, 2 फिट, 3 फिट, 4 फिट और 5 फिट, ठीक है। ये 0 हो गया, जितो मतलब बेस रहेगा 0, इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 फिट, 2 फिट, 3 फिट, 4 फिट और 5 फिट। इसको आप आइडेंटिफाई के लिए रेड कलर दे दीजिए, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये आपकी फिट बन गई, फिट वाली लाइन। यानी कि अगर बच्चा 1 फिट का है तो इतना बड़ा दिखेगा, 2 फिट का है तो इतना। अब इसके जो इंचज़ है, 1 फिट कितने इंच का है, तो इंचज़ की यूनिट बनाने के लिए मैंने आपको बताया, तो जो 5 फिट इसमें कितनी यूनिट्स बनेंगी, सॉरी कितने इंचेस बनेंगे, 60, यानी कि 60 इंच। वो कैसे क्रिएट करेंगे हम, सिंपली इसको ऐसे डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ, या तो आप एक काम करिए फिट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए ऐसे, और इंचेस, अब हम इंचेस बनाते हैं, तो इंचेस के लिए मैं थोड़ा सा उसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और उसको फिट से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद कलर ब्लैक, क्योंकि इसको पहचाना जा सके ईजिली। अब मैंने आपको बताया कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, अभी हम 1 फिट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब आधे फिट की बात करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ, यूनिट्स जो होगी वो करूँगा इंचेस, इंचेस पे क्लिक करूँगा यूनिट्स को,
अब एक करूंगा, या अभी ये देखिए 12 करते ही, यहाँ 12 करते हैं, 12 इंचेस हो गया, तो मुझे 1 इंच करना है। और जो एक्सिस है, जो एक्सिस को 0, वाई एक्सिस को 1, ठीक है। बहुत सिंपल है फ्रेंड, शायद आपको जल्दबाजी में नहीं समझ रहा, बट आप मेरी वीडियो को आराम से देखेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। फिर मुझे सिंपली करना है कंट्रोल डी। तो देखिए अब क्या हुआ, वो 1 इंच जाके जंप हुआ, यानी कि अभी पिछले में क्या हो रहा था, 1 फिट जाके जंप हुआ, अब ये कितना हो रहा है, 1 इंच जाके जंप हो रहा है। तो मैं इसे ऐसे दबाऊंगा और ये 60 बनने चाहिए, तो मैं इसको दबाए रखूंगा 1 सेकेंड के लिए, बस यहाँ लाके मुझे देख लेना है, अल्ट बैक, बस ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट। अब अपनी श्योरिटी के लिए कि हाँ ये 60 है या नहीं, इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्टेटस पर जाके देखूंगा। तो ये देखिए 61 दिखा रहा है, ये 0 ही होता है, या तो उसके ऊपर ये डुप्लीकेट बन गया है, एक 0 से है ना ये फ्रेंड, इसको 0 में काउंट करते हैं, तो 0 से 1 तक क्या होगा, 61 ही दिखाएगा वो, ठीक है, अपनी जगह वो ठीक है, क्योंकि तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 0 से, तो वो 61 दिखाएगा। और मे बी ऐसा हो सकता है ये डुप्लीकेट कोई बन गया हो। तो अब इतना करने के बाद अब आपको बनाना है 1/2 इंच। तो 1/2 इंच बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट करेंगे और इससे थोड़ा सा और छोटा बनाएंगे। इसका इस बार मैं कलर जो है कुछ और हल्का कर देता हूँ, ताकि इसको इजीली पहचानने में आया जा सके। अब यहाँ जो था 1 इंच, ठीक है, यहाँ जो इंच था इंच ही रहने देंगे, अब 1 इंच को करेंगे हम 0.5, यानी कि 1/2 इंच। और जो वाई एक्सिस है इसको भी हम करेंगे 1/2 इंच, और हम अब इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे। तो देखिए अब क्या होगा, अब उस 1 इंच का भी 1/2 जंप करेगा। तो ऐसे ही मुझे कितना करना है, 120 बार दबाए रखना है सिंपली, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए। और हम चाहें तो उसको जो हमारा ब्लेंडिंग टूल होता है उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल परफेक्टली उसके सामने आ गया, तो आप देख सकते हैं ये फिट, ये इंचेस और ये 1/2 इंचेस। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके आएंगे जब, और इसके ऐसे लेके इस पे जब एल वो कर देंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे, तो जिस पे ओवरलैप हो जाएगा। अब एक काम आपको थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ेगा, कि आप क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको आपको ऐसे लीड करना पड़ेगा, और ये आपका फिट है, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ रेड मार्क लग रहा है वहाँ उसको आपको ऐसे लीड करके इनको टिपिकल काम है। आपको लगेगा कि इसमें हम गिनती जो काउंटिंग है वो कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आप देखिए ये 5 काउंटिंग तो आप लिख सकते हो ना, बेसिक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो आप लिख सकते हो, ये तो 0 हो गया, यानी यहाँ से 1 फिट, 2 फिट, 3 फिट, 4 फिट और 5 फिट। अब जो आती है वो जो 1 0 से लेकर 1 to 60 तक जो हम काउंटिंग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो फ्रेंड उसके लिए बहुत सिंपल, आप कंट्रोल सॉरी विंडो आर दबाएंगे, रन में टाइप करेंगे एक्सेल EXCEL, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, और आप एक्सेल को ओपन कर लेंगे। यहाँ सिंपली आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ऊपर से 60 लिखा होता है ना, 0 1 2 3 4, नीचे से ऊपर होता है, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 60, उसके नीचे लिखेंगे 51, वो सॉरी 59 और 58, इतना ही सिस्टम को कमांड देना है बस। और आप इन तीनों करेंगे सिलेक्ट, और ये जो ब्लैक सा पॉइंट दिख रहा है इस पर लेके आएंगे अपने माउस को, ये प्लस बन जाएगा, उसको नीचे खींचते जाएंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली 40, 39, 35, 32, और ये ऑटोमेटिकली 0 तक हो जाएगा, बस 1 2 0, बस ये यहाँ से आपको इसको स्टॉप कर देना है 0। तो बताइए फ्रेंड इसमें क्या कलाकारी थी, इसमें कितना टाइम लगा आपको ये टाइप करने में, ठीक है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेल को कॉपी, कंट्रोल सी से कोरल में आते हैं, एडिट में आते हैं और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं, देन टेक्स्ट और ओके। तो आप देखेंगे ये ऐसे इस तरीके का एक ऐसा टेक्स्ट बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस हैंडल को लेके इसके पास लाके आना है ऐसे, और अब Ctrl 8 से, यानी कि Ctrl 8 दबाएंगे तो ये फ्रेम से हट जाएगा, ठीक है, अब फ्रेम से हट जाएगा, उसको आप ब्लैक कलर कर लीजिए। अब क्या बहुत सिंपल है, आप इसकी वो रख लीजिए कितना आपको बड़ा रखना है, कितना बड़ा दिखाना है, ठीक है, मैं इसको आपको मतलब कितना बड़ा लेटर, कितने बड़ी फॉन्ट चाहिए, मैं तो उसको इतना रख लेता हूँ। फिर उसके बाद सिंपली फ्रेंड हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करेंगे और इसको एडजस्ट करने के लिए 0, इसके ये जो
कर्निंग स्पेस होता है, लीडिंग और कर्निंग स्पेस, इसकी मदद से इसको ऐसे लेके आएंगे। तो फ्रेंड देखा आपने, यहाँ मैंने काउंटिंग भी इसमें एडजस्ट कर दी है, बट आप अभी यहाँ श्योरिटी के लिए देख सकते हो कि ये 12, जब भी ये 12 ऊपर जाएंगी तो वो रेड हो जाना चाहिए। 0 से लेकर 12 तक गया तो क्या हो गया, 1 फिट। 12 से लेकर 24 तक जाएगा तो 2 फिट, 36 तक जाएगा तो 3 फिट, और 48 तक जाएगा 12 चौक 48, और 12 5 60। ठीक है, यहाँ आप बस 1 2 3 देन 4 देन 5 लिख सकते हो, और कोई भी टूनी इमेज लेके, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी टूनी इमेज लेके, जिराफ और एलिफेंट, कैमल, इस तरीके की कोई टूनी इमेज लेके आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये कितना सिंपल है, और हमें लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है। टिप कुछ ट्रिक्स हमें फॉलो करनी है, और उस ट्रिक से ये देखिए कितनी जल्दी बन गया, और मुझे बताने में जितना समय लगा, जब आप इसको एक बार समझ जाओगे तो आपको सेकंड टाइम उतना समय नहीं लगेगा। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।